ये देखिए बीन्स की सब्जी आज हमने बनाई है। गर्मियों के सीज़न में बीन्स बहुत अच्छा मिलता है, सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है बीन्स की सब्जी। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल कुक विद मनोरमा को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीन्स की सब्जी बनाने वाले हैं। देखिए बीन्स, इसे चौलाई की फली भी कहते हैं, बीन्स कहा जाता है, इसकी सब्जी बनाएंगे। इसे हमें कट कर लेना है। इस साइड के पार्ट थोड़े ऊपर से निकाल लेना है, ऐसे हम कट कर लेंगे। आगे और पीछे का पार्ट हमें निकाल लेना है इसका। देखिए पार्ट्स पीछे का भी निकाल लेंगे, बस यही साइज में आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। ऐसे ही सारे बीन्स हम कट कर लेंगे। और दो आलू लिए हैं, इसे भी छीलकर हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे, जैसा हमें चाहिए होगा, छोटा बड़ा वैसे। देखिए हमने बीन्स काट लिए हैं और आलू भी छीलकर कट कर लिए हैं और धो ली उसे। चलिए अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक पैन लिए हमने, दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसी में हम प्याज डाल देंगे। एक प्याज है कट कर ली मैंने। प्याज को हमें सॉफ्ट कर लेना है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तब तक ऐसे हमें भुनना है। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इसी में हम हरी मिर्ची डाल देंगे। चार हरी मिर्ची कट की हूँ और अदरक लहसुन है कूटा हुआ, 8 से 10 कली लहसुन की है और 1/2 इंच अदरक है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अदरक और लहसुन पक जाना चाहिए। देखिए अदरक लहसुन पक गया है, सब कलर भी चेंज हो गया है, सब अच्छे से पक गया है। इसी समय इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से हम भुनेंगे, मसाले पक गए हैं। इसी समय हम टमाटर डालेंगे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है। और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो इसके लिए स्वाद अनुसार नमक जाएगा, 1 चम्मच नमक था, आप अपने हिसाब से नमक ले सकते हो। अब टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट होने देना है। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, मसाले सब अच्छे से पक गए हैं। इसी समय इसमें हम बीन्स डाल देंगे। आलू डालेंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है, पर 1 से 2 मिनट हम और पकाएंगे ताकि बीन्स इसमें अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा मसाला कोटिंग आ जाए बीन्स और उस पर आलू पर, तो अच्छा लगेगा। 1 से 2 मिनट हमें मसाले के साथ में पकने देना है और आँच है धीमी है, धीमी आँच पे से हम ढक कर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है बीन्स और आलू को मसाले में भूनते हुए। ऐसे मसाले में भूनेंगे खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। सब्जी सब अच्छे से भुना गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल कुक विद मनोरमा को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। अच्छे से भुना जा चुका है, इसमें अब हम पानी डालेंगे। 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, 1 ग्लास पानी में हो जाएगा क्योंकि सब्जी सूखी बनानी है। अगर आपको रसा वाला बनाना होगा तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। अब पानी में हम बॉईल आने देंगे। देखिए बॉईल आ चुका है, अब इसी समय इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को पका लेंगे। बीन्स आलू सब अच्छे से पक जाना चाहिए।
4 से 5 मिनट का समय लगेगा, आप बीच बीच में चेक करते रहिए। मैं चेक करूँगी बीच बीच में, कभी कैसा पानी जल जाता है तो सब्ज़ी जलने का डर रहता है, हम चेक करते रहेंगे और इसे सब्ज़ी को अच्छे से हम पका लेंगे। देखिए 5 मिनट का समय लगा है, सब्जी अच्छे से पक गई है। देखिए आलू भी अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। 2 मिनट बाद मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ सब्जी को। आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हो। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। देखिए बीन्स की सब्ज़ी, गर्मियों के सीज़न में सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।